मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आखिरकार नवाब मलिक के जो चाहने वाले या उनके जितने समर्थक हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आज सोमवार के दिन नवाब मलिक जेल से छूट चुके हैं और ये अपने घर की जो है वो जाने की ये तस्वीर है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ के समर्थक नवाब मलिक का स्वागत करने के लिए और उनको घर पे जाते देखने के लिए जो है तमाम लोगों की रैली उमड़ी है। और इसी के साथ साथ नवाब मलिक के ये जो समर्थक है आने वाले जो तमाम राजनीतिक उठल पुठल हुई है उसको लेकर भी एक काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे, क्योंकि नवाब मलिक के आते ही राजनीति जिस तरीके से महाराष्ट्र की उठल पुठल हुई है उसको लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को आशंका है कि उनके आने से ये सारी जो तस्वीरें है वो कहीं ना कहीं बदल सकती है। नवाब मलिक एक ऐसा चेहरा है जिसके लिए पूरा कुरला ही जो है आप देख सकते हैं कि कितना समर्थन करता है। और यहाँ पर मैं कुछ कार्यकर्ताओं से भी जानूंगा कि कितनी उनके अंदर खुशी है। लेकिन ये गाड़ी देखिए, इस गाड़ी से महाराष्ट्र के जो पूर्व मंत्री है और नवाब मलिक जिनके लिए ये समर्थक उमड़ी है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। और इसकी इनकी खुशी आप देखिए कि जेल से छूटने के बाद इनके चेहरे पर एक ऐसी खुशी है जैसे इन्होंने एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल की है। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और तमाम ऐसे जो राजनीतिक उठल पुटल हुई है उस राजनीति उठल पुटल में अब जो नवाब मलिक है वो सामने आ चुके हैं और अब जो चुनावी रणनीति होगी या महाराष्ट्र की जो राजनीति होगी वो कहीं ना कहीं अभी देखने में बहुत ही दिलचस्प विषय होगा, क्योंकि नवाब मलिक एक बहुत ही बड़े चेहरा है राजनीति के और वो अब जो है बाहर आ चुके हैं और बाहर आने के बाद समर्थकों के बीच वो मुस्कुराते हुए और उनके घर वापसी के लिए वो पूरा जो है यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर कुछ समर्थक अभी तो दिख नहीं रहे लेकिन हम आपको समर्थक के चेहरे पर खुशी दिखाएंगे। हालांकि इससे पहले हमने बताया था कि कप्तान मलिक जो है जैसे ही रिहाई की खबर नवाब मलिक की आई थी उसके बाद से भावुक हो गए थे और भावुक होने के बाद वो काफ़ी रोने भी लगे फूट फूट कर, क्योंकि उनके भाई को उन्होंने वापस देख लिया। और कहीं ना कहीं लोगों में भी ये कहा जा रहा है कि कुरला का टाइगर वापस आ चुका है, यानी नवाब मलिक के जो समर्थक है वो आप देखिए कि कितना स्वागत कर रहे हैं और उनके लिए आप जो है देखिए कि कितना भीड़ जो है देखने को मिल रही है।